हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं भद्रा के बारे में। अक्सर भद्रा के नाम से लोग भयभीत होते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि भद्रा का जो रूप है वो काफ़ी रौद्र रूप है और वर्ण उनका काफ़ी भयावह, जैसा ही ग्रंथों में वर्णित है कि जो भद्रा है वो नाश करती है किसी भी शुभ कार्य का। क्योंकि जब भद्रा का जन्म हुआ उसके बाद से ही भद्रा ने काफ़ी उथल पुथल मचाई, काफ़ी विनाश करना प्रारंभ किया। तब उनको भगवान सूर्य देव की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने समझाया और ब्रह्मा जी ने उन्हें एक करण के रूप में स्थापित किया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि करण पंचांग का ही एक अंग है, क्योंकि पंचांग के पांच अंग होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। तो उसी प्रकार से जो करण है उसी में से एक करण होता है विष्टिकरण, जो कि प्राय भद्रा ही है। और भद्रा इस विष्टिकरण के जो स्वामी हैं वो यम को माना गया है, और विष्टिकरण का ही जो दूसरा नाम है भद्रा है। तो ये रिपीट होता रहता है और आपने देखा ही होगा अखबारों में इसका वर्णन होता है या पंचांग में वर्णन होता है। तो जब जब भद्रा होती है वो आप पंचांग से देख लेवें और भद्रा में कोई भी शुभ काम ना करें। विशेष रूप से जैसे विवाह संस्कार होता है या राखी बांधने का काम है, ये सब भद्रा में बिल्कुल नहीं किया जाता है। भद्रा में एक्चुअली क्या है, भद्रा में क्रूर कर्म किए जाते हैं। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, अग्नि संबंधी कर्म हो गए, उच्चाटन हो गया, बंधन हो गया। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से इन किसी भी प्रकार के कृत्यों को करने के लिए नहीं कहते हैं। हम यही आपको कहते हैं कि आपको सदमार्ग पर चलना है और किसी के भी विनाश के लिए कोई भी तांत्रिक प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको यही बताना है कि भद्रा को आपको त्याजना चाहिए। यदि कोई भी आप शुभ काम कर रहे हैं तो पंचांग में ज़रूर आप देख लीजिए या किसी पंडित जी से आप ज़रूर पूछ लीजिए कि भद्रा चल रही है, कब चलेगी, कितनी बजे से कितनी बजे तक है। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ब्रह्मा जी ने जब आशीर्वाद दिया भद्रा को, तो भद्रा को ये बताते हुए उन्होंने कहा कि भद्रा किसी भी प्रकार का विनाश ना करे। और उनको ये आशीर्वाद दिया गया क्योंकि भद्रा ने काफ़ी विनाश करना चालू किया था, यज्ञ वगैरह को में उठापटक चालू की थी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिया कि जो भी तुम्हारे जिस समय तुम भद्रा चल रही होगी और उस समय जो भी इस तरह के शुभ मांगलिक कार्य करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे। यही कारण है कि इस अवधि में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। और ये भी कहा गया कि यात्रा है या मकान में, जैसे नए मकान में प्रवेश करना हुआ, खेती बाड़ी हुआ, बीज वगैरह बोना हुआ, कोई भी बिजनेस वगैरह हुआ, तो वो भद्रा में इसीलिए नहीं किए जाते हैं कि जो भी ये काम इस अवधि में करेंगे उनको कभी भी शुभ फल या सफलता नहीं मिलेगी। भद्रा का जो वास है वो स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भद्रा स्वर्ग की होती है तो स्वर्ग के निवासी पीड़ा पाते हैं, जब भद्रा पाताल की होती है तो पाताल के निवासी पीड़ा पाते हैं, और जब पृथ्वी की होती है तो पृथ्वी के निवासी पीड़ा पाते हैं। तो इस प्रकार से भद्रा में कोई भी शुभ काम आप त्यागें। भद्रा जो करण होता है, एक प्रकार का जो करण है, विष्टिकरण है, तो तिथि के जो दो भाग होते हैं उनको करण कहा जाता है। इसके अलावा भद्रा के कई नाम भी हैं, जिनमें प्रमुख है नंदिनी, त्रिशिरा, सुमुखी, करालिका, वैकृति, रौद्रमुख, चतुर्मुखी और हंसी। ये भद्रा के नाम भी, अन्य नाम बताए गए हैं ग्रंथों में। इसके अलावा जो भद्रा होती है वो प्रारंभ होती हुई भद्रा अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन जो भद्रा का जो समाप्ति काल है, लगभग आधे घंटे का जो समय होता है, उसमें फिर भी कार्य किए जा सकते हैं, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। इसमें कार्य की सिद्धि मानी जाती है। इसके अलावा कई ग्रंथों में भद्रा के व्रत का भी उल्लेख है कि जिस समय भद्रा चल रही हो तो भद्रा से क्षमा याचना के तौर पे या रक्षा के तौर पे भद्रा के व्रत का भी विधान है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आप ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इसके अलावा कुंडली का परामर्श आप ले सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं देती हूँ, उसके द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं और फीस वगैरह भी आप उसी में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ही अल्प राशि में ये प्रयास कर रही हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। बाकी करने वाला परमात्मा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।